अगर आप एक पैरामेडिकल ऑक्यूपेशन हैं और कनाडा में काम करना या परमानेंटली माइग्रेट होना चाहते हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ए टू जेड इमिग्रेशन अपडेट्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपनी वीडियो सीरीज कनाडा इमिग्रेशन पाथवे फॉर स्किल्ड माइग्रेंट्स में एक और स्किल प्रोफाइल वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपको कनाडा में पैरामेडिकल ऑक्यूपेशंस के प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, एजुकेशन अथवा लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स, मीडियन तथा रिटायरमेंट एज, करियर स्कोप, विभिन्न प्रोविंसेस में पैरामेडिकल ऑक्यूपेशंस की करंट जॉब ओपनिंग्स और सबसे जरूरी फैक्टर एवरेज, मैक्सिमम तथा मिनिमम वीकली और आवली वेज रेट के बारे में बताएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके इमिग्रेशन से संबंधित सभी लेटेस्ट न्यूज अथवा अन्य जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आइए सबसे पहले आपके प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कनाडा में हर एक ऑक्यूपेशन के लिए एक प्रॉपर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन दी गई है। ये डिस्क्रिप्शन उस प्रोफेशन के वर्क एरियाज और विभिन्न इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए जरूरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अच्छे से बताती है। पैरामेडिकल ऑक्यूपेशन की प्रोफाइल के निम्नलिखित काम होते हैं: ट्रॉमा विक्टिम्स, रेस्पिरेटरी डिजीज और स्ट्रेस के पेशेंट्स, ओवरडोज और पॉइजनिंग विक्टिम्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट विक्टिम्स और अन्य इल या इंजर्ड इंडिविजुअल्स की इंजरीज या मेडिकल इलनेसेस की एक्सटेंट का असेसमेंट करना ताकि इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा सके। ऑक्सीजन थेरेपी, कार्डियोपुलमिनरी रेसुसिटेशन CPR, स्पाइनल इमोबिलाइजेशन, बैंडेजिंग और स्प्लिंटिंग जैसी प्री हॉस्पिटल इमरजेंसी केयर को एडमिनिस्टर करना। इंट्रावीनस ट्रीटमेंट IV की एस्टैब्लिशमेंट और मेंटेनेंस करना, वेंटिलेशन और सर्कुलेशन कॉम्प्लिकेशंस के लिए अजंक्टिव इक्विपमेंट लागू करना, मेडिकेशंस एडमिनिस्टर करना और पेशेंट्स को अन्य एडवांस इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना। पेशेंट्स को एयर, लैंड या वाटर के द्वारा हॉस्पिटल या अन्य मेडिकल फैसिलिटी में ट्रांसपोर्ट करना फर्दर मेडिकल केयर के लिए। एम्बुलेंस डिस्पैच सेंटर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, पुलिस, फायर फाइटर्स और फैमिली मेंबर्स के साथ कलैबोरेट करना ताकि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जा सके और प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। इंजरीज और इलनेसेस की नेचर और प्रदान की गई ट्रीटमेंट को डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड करना। यदि आवश्यक हो तो हॉस्पिटल पर्सनल की मेडिकल ट्रीटमेंट की प्रोविजन में सहायता करना। इमरजेंसी केयर इक्विपमेंट और सप्लाईज को मेंटेन करना। इस प्रोफाइल में अन्य वर्कर्स को ट्रेन और सुपरवाइज करना संभव है। इमरजेंसी पेशेंट्स की ट्रियाज में सहायता करना संभव है। कनाडा में हर ऑक्यूपेशन के लिए एक स्पेसिफिक एजुकेशन लेवल की जरूरत निर्धारित है। इसके अलावा कुछ जॉब सेक्टर्स में काम करने के लिए लाइसेंसिंग अथवा अन्य सर्टिफिकेशंस की भी जरूरत रहती है। तो आइए अब आपके प्रोफाइल के लिए जरूरी एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखते हैं। पैरामेडिकल ऑक्यूपेशंस के प्रोफाइल के लिए पैरामेडिकल या इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी में 1 से 3 साल का कॉलेज, हॉस्पिटल बेस्ड या अन्य रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम पूरा किया होना जरूरी है। सभी प्रोविंसेस में एक रेगुलेटरी बॉडी के साथ लाइसेंसिंग जरूरी है। इमरजेंसी व्हीकल्स को ऑपरेट करने वाले लोगों को अप्रोप्रिएट क्लास का लाइसेंस भी चाहिए होता है। कनाडा में काम करने की न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित है, परंतु हर प्रोफेशन के लिए एक तय शारीरिक तथा मानसिक स्ट्रेंथ चाहिए होती है। इसके अलावा ज्यादातर सेक्टर्स में काम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। इन सब जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कनाडा आपके प्रोफाइल की मीडियन वर्क एज और रिटायरमेंट एज तय करता है। अगर बात करें पैरामेडिकल ऑक्यूपेशंस की, तो पैरामेडिकल ऑक्यूपेशंस के प्रोफाइल पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स की औसतन आयु 38 वर्ष है और पैरामेडिकल ऑक्यूपेशंस के लिए सामान्य रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष है। किसी भी नए कंट्री में मूव होने से पहले आप वहां पर उपलब्ध रोजगार के अवसरों के बारे में जानना चाहेंगे। तो अब हम कनाडा में आपके प्रोफाइल पर काम कर रहे
प्रोफेशनल्स की कुल संख्या देखेंगे और इसके अलावा आपके प्रोफाइल के लिए उपलब्ध करंट जॉब ओपनिंग्स का एनालिसिस भी करेंगे। कनाडा में पैरामेडिकल ऑक्यूपेशंस के प्रोफाइल पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स की कुल संख्या 27,900 है। अगर हम पैरामेडिकल ऑक्यूपेशंस के प्रोविंस वाइज काउंट की बात करें तो सस्कैचवन, न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, क्वेबेक सबसे ज्यादा पैरामेडिकल ऑक्यूपेशंस वाले राज्य हैं। कनाडा में फिलहाल उपलब्ध जॉब ओपनिंग्स की कुल संख्या 132 है। इन ओपनिंग्स को देखने तथा अप्लाई करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। किसी एक प्रोफाइल के लिए कनाडा के अलग अलग प्रोविंसेस में प्रोफेशनल्स की मांग कम या ज्यादा हो सकती है। प्रोफेशनल्स की यह डिमांड उस प्रोविंस में मौजूद एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज और संबंधित इंडस्ट्री सेक्टर्स के आकार पर निर्भर करती है। तो अब हम आपके प्रोफाइल में जॉब ओपनिंग्स की संख्या के आधार पर प्रोविंसेस की लिस्ट देखेंगे। jobbank.gc.ca द्वारा उपलब्ध कराए गए हालिया आंकड़ों के अनुसार इस वीडियो की पब्लिशिंग डेट तक पैरामेडिकल ऑक्यूपेशंस के प्रोफाइल पर 61 जॉब ओपनिंग्स के साथ सस्कैचवन लिस्ट में सबसे ऊपर है, जबकि ओंटारियो सिर्फ 23 जॉब ओपनिंग के साथ इस लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पर है। आपके प्रोफाइल से जुड़ी लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स और उन्हें अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए लिंक को अभी क्लिक करें। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जॉब फैक्टर की बात करेंगे, जो कि आपकी सैलरी या आवली वेज रेट से संबंधित हैं। जॉब बैंक GC CA के द्वारा हाल ही में दिए गए आंकड़ों के अनुसार हमने कनाडा में आपकी प्रोफाइल के लिए मिनिमम, मैक्सिमम और मीडियन वेज रेट का एनालिसिस किया है। तो आइए देखें कि ये आंकड़े आपके प्रोफाइल के बारे में क्या बताते हैं। कनाडा में पैरामेडिकल ऑक्यूपेशंस हर घंटे औसतन 33 कैनेडियन डॉलर्स कमाते हैं। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग तक आपके प्रोफाइल के लिए कनाडा में मैक्सिमम वेज रेट 43 कैनेडियन डॉलर्स है और मिनिमम वेज रेट 21 कैनेडियन डॉलर्स है। पैरामेडिकल ऑक्यूपेशंस के प्रोफाइल के लिए ओंटारियो सबसे ज्यादा वेज रेट के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है, जबकि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड सबसे कम वेज रेट देने वाला प्रोविंस है। इसके अलावा अगर आप कनाडा की सभी प्रोविंसेस की एक डिटेल्ड वेज वाइज रैंकिंग देखना चाहते हैं या फिर अपनी फेवरेट प्रोविंस में आपके प्रोफाइल के लिए उपलब्ध जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर क्लिक करें। इमिग्रेशन पाथवेज। कनाडा में माइग्रेट होने के लिए कई वीजा ऑप्शंस तथा इमिग्रेशन पाथवेज उपलब्ध हैं। इन ऑप्शंस के जरिए स्किल प्रोफेशनल सीधे परमानेंट रेजिडेंसी, वर्क वीजा या स्टडी वीजा प्राप्त करके कनाडा में सेटल हो सकते हैं। अगर आप भी अपने प्रोफाइल से संबंधित वीजा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर अभी क्लिक करें और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ एक कंसल्टेंसी सेशन बुक करें। हम अपने ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए हर प्रकार की इमिग्रेशन सर्विसेज के साथ एक वन स्टॉप ऑनलाइन इमिग्रेशन प्लेटफॉर्म देते हैं। आप हमारे एक्सपर्ट्स की टीम द्वारा ऑनलाइन कंसल्टेंसी सेशंस, असेसमेंट एप्लीकेशन फाइलिंग, एम्प्लॉयर सर्च, LMIA फाइलिंग, वर्क वीजा फाइलिंग तथा PR फाइलिंग जैसे विभिन्न विषयों पर किसी भी तरह की असिस्टेंस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे बनाना चाहते हैं या फिर अपने लिए कनाडा में सेटल होने की बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप हमारे एक्सपीरियंस्ड माइग्रेशन एडवाइजर के साथ एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी प्रोफाइल तथा आपके मौजूदा सर्कमस्टांसेस का डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको बेस्ट एडवाइस देंगे। तो अपने प्रोफाइल पर गंभीरता से चर्चा करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अभी ही एक्सपर्ट सेशन जरूर बुक करें। इसके अलावा अगर आप एक कैनेडियन एम्प्लॉयर हैं तो आप अपने बिजनेस के लिए बेस्ट मैनपावर को हायर करने और उनके LMIA एप्लीकेशन या वर्क वीजा की फाइलिंग करने के लिए भी हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सी काम की जानकारी मिली होगी। इमिग्रेशन से संबंधित ताज़ा जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और हम जल्द ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपको फिर मिलेंगे।